फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बेबी फ्रॉक बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने डबल कपड़ा बिछाया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10-11 इंच ली है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 8 इंच ली है। इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो ये मैं गला जुड़े हुए से सिलूंगी और यहाँ 3 पर मैं निशान लगा दूंगी। ये हमारे मुड्ढे हैं, ये मैं 2 या 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और हल्का हल्का यहाँ पे गोलाई में शेप दे देंगे। ये देखिए, अब जो हमारा गला है ये जुड़े हिस्से से लेना है। ये मैं 1 इंच का निशान लगा दूंगी और इसमें भी ऐसे गोलाई दे देंगे हल्की सी। देखिए, जो हमारा ये कमर वाला हिस्सा है ये यहाँ से आधा या 1 इंच पर निशान लगा करके ऐसे सीधा निशान लगा देंगे। अब इसको हम काट लेंगे, ये हम गला काटेंगे, मुड्ढे काटेंगे और इसको हम काट के अलग कर लेंगे। तो जो हमारा ये जुड़ा हुआ है इसमें इसमें भी हम कैंची डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी चोली कट चुकी है। अब इसमें हम झालर लगाएंगे। तो देखिए, ये मैं इससे डबल 2 गुना और ज़्यादा ले लूँगी कपड़ा, क्योंकि हमें झालर लगानी है इसमें। और इसको हम तो ये मैं 2.5 या 3 इंच की झालर काट लूँगी। ये मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको हम काट के निकाल देंगे अलग। तो ये हमारी झालर हो गई है। और जो ये हम गले पे पट्टी लगाएंगे वो है। तो देखिए, हम इसे सिलते हैं। तो देखिए, हम इसमें सिलाई लगा लेंगे पहले कमर में। तो देखिए, मैंने ये सिल दिया है। अब हमने जो पट्टी काटी थी झालर के लिए उसे हम ऐसे एक बार मोड़ करके ऐसे इस पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, अब मैंने झालर में सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे। और इसका ध्यान रखेंगे कि ये सीधे तरफ होना चाहिए। इसमें हम 1-1 इंच की, आधा आधा इंच की ऐसे प्लेटें डालते चले जाएंगे ऐसे। अब देखिए, सिलाई आ गई है। तो सिलाई से हम अपनी साइड ले लेंगे प्लेटों को। तो देखिए, ये मैंने झालर लगा दी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और जो ऊपर की साइड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो ये देखिए, मैंने लगा दी है अभी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गला है यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये जो मैंने पट्टी ली है इसको हम डबल कर लेंगे ऐसे। और सीधे की तरफ से रखेंगे इसको और इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब हम इसमें एक सिलाई ऐसे अंदर को करके इसमें एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो देखिए, इलास्टिक में इसके अंदर डालूंगी पिन के जरिए।
तो ये देखिए मैंने ये इलास्टिक इसके अंदर डाल दी है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी डालेंगे, इस तरफ भी हम ऐसे ही इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए ये भी मैंने डाल दिया इसमें इलास्टिक। अब हमने दोनों साइड से इलास्टिक डाल दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाला हिस्सा और ये वाला, पहले इसमें हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसको बंद करने के बाद फिर हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो देखिए पहले हम इसे सिल देते हैं। तो देखिए हमने ये सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बाजू मतलब मुड्ढे हैं, इसको हम जितने हमें इलास्टिक चाहिए इसके अंदर उतना छोड़ करके बाकी इलास्टिक को हम सिल देंगे इसमें इसके साथ। तो देखिए मैं 5 इंच 5 इंच ऊपर बांधने के लिए छोड़ दूंगी और इसको हम सिल देंगे। इलास्टिक का ध्यान रखें, इलास्टिक बाहर ना निकल जाए। अब जितनी हमें ज़रूरी चाहिए इसमें चुन्नट उतना छोड़ करके बाकी हम इसके अंदर दबा देंगे। ये भी हम 5 इंच की पट्टी छोड़ करके ऐसे। देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सिलना है। तो जो हमारी ये तनी बन जाएगी ऊपर, इस तनी को ही हम साथ साथ लेकर के सिलेंगे ऐसे। और जो हमारी इलास्टिक है इसको हम काट के अलग निकाल देंगे दोनों साइड से। ये देखिए तो ये हमारी पाइपिंग भी तैयार हो जाएगी और साथ ही साथ तनी भी लग जाएगी। तो देखिए ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी लगाना है। तो देखिए ये मेरी बेबी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। ये आप 6 महीने के बच्चे आराम से पहन सकते हैं, आप चाहें तो 1 साल के बच्चे के लिए भी बना सकते हो ऐसा। तो देखिए आपको ये फ्रॉक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।